In this video, I will discuss about the Newton's law of motion. This video lecture is prepared for graduate physics courses and comes under the classical mechanics. But as you know that Newton's law we study from the junior classes and comes into the plus one physics and then after in other courses also. So Newton's law basically is applicable where we see the mechanics, right? So this course, this topic basically Newton's law of motion here for graduate students and especially for classical mechanics, and this is number one. You can visit my YouTube channel where my ID is SushilK17able, and web address for such type of video lectures you can find at www.apnephysics.com. If you want to link up with such kind of activity, video lectures and other information, you can like my Facebook page at www.facebook.com/apnephysics. Here I have added Guruji new word. Newton's law of motion. Inertial mass and force, these are two concepts into the Newton's law of motion. Inertial mass or force, these are two physical concepts jo important hain to understand the Newton's law of motions, right? Motion किसी particle की है, object की है, heavy body की है, उसके अंदर आपके ये दो concept use होंगे, number one inertial mass and number two is the force. The definition of mass and force are contained in his three laws of motion. Isaac Newton basically define all these in his three laws. Number one is known as law of inertia. Number two जो law है उसको हम बोलते हैं law of force या acceleration. And at the number three जो law है उसको हम बोलते हैं law of action and reaction. So let us see the first law जिसको हम बोलते हैं law of inertia. लॉ ऑफ इनर्सिया क्या है या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है या लॉ ऑफ इनर्सिया है वो ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको हटा दिया ना जाए, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चलती रहेगी जब तक कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. हियर यू कैन सी दिस एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल ये फुटबॉल रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड और ये रखा ही रहेगा जब तक कि आप इसको किक ना मार दें, और जैसे ही किक मार दिया तो अब ये मोशन में आ जाएगा. इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ना लगे या ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. तो ये सिंपल सा एग्जांपल, और जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगा दिया तो ये रुक जाएगी या फिर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा. तो इनर्सिया बेसिकली क्या है? इनर्सिया जो है प्रॉपर्टी है ऑफ ए बॉडी इन द स्टेट. किस स्टेट के अंदर इनर्सिया बॉडी की प्रॉपर्टी हो सकती है? या तो वो रेस्ट में है या फिर वो
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इन्फ्लुएंस दैट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स बेसिकली इज द इन्फ्लुएंस जो उसकी स्टेट को चेंज करता है, और स्टेट मींस या तो वो रेस्ट में है या मूवमेंट है या मोशन में है। तो ये दो स्टेट हो सकती हैं, या तो रेस्ट या मोशन, और जब इनको कोई चीज इन्फ्लुएंस करती है तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स, फॉर एन एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, हैव टू किक दिस बॉल विथ सम फोर्स, और जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये बॉल जो है विल मूव टूवर्ड्स द नेट। तो यहाँ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स, डी पी अपॉन डी टी। ये जो रेट है चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू द फोर्स। आपने यहाँ जितना फोर्स लगाया, और अब इस बॉल के पास में एम है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, दैट मीन्स इसके पास पी है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब ये नेट के पास पहुंचेगी देन पी चेंज होगा, तो उसको आप लिख रहे हैं डी पी अपॉन डी टी, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब कि एम तो कांस्टेंट रहेगा, वी उसका कम या ज्यादा होगा, दैट मीन्स अगर हम एम बाहर ले लें तो एक्सेलरेशन जो है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फोर्स, कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा वहां पर एक्सेलरेशन लगेगा। तो एवरीबॉडी जो पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया और रेजिस्टेंस टू मोशन, दिस इनर्सिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। द मेजर टू दिस इनर्सिया फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड द मास ऑफ ए बॉडी एंड इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम। इफ सपोज वी बी द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम, देन इट्स मोमेंटम इज डिफाइंड बाय पी इज इक्वल टू एम बी। यू अप्लाइड फोर्स ऑन द कार एंड एज ए रिजल्ट कार स्टार्ट्स टू मूव, राइट? फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन एंड एज ए रिजल्ट कार स्टार्ट्स टू मूव, दैट मीन्स दैट हैव एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस स्मॉल बेबी इनटू दिस ट्रॉली एंड मैन इज पुशिंग इट, सो एज ए रिजल्ट दिस इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज द एग्जाम्पल। सो एफ यू नो इज डी पी अपॉन डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पी दैट इज इक्वल टू एम वी हियर, वेयर एम इज कॉन्स्टेंट इन मोशन, राइट, फॉर द नॉन रिलेटिव मोशन दैट कम्स इन टू द क्लासिकल मैकेनिक्स विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। वहाँ पर एम चेंज नहीं होगा, बट इफ वी इज सो लार्ज दैट इज यू कैन से कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, देन दैट टाइम मास चेंज होगा, अदरवाइज मास रिमेन कॉन्स्टेंट एंड कम्स आउट फ्रॉम दिस डिफ्रेंसिएशन पार्ट, एंड हियर यू ऑब्जर्व डी पी अपॉन डी वी अपॉन डी टी दैट इज द एक्सेलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। इफ सपोज यू डोंट अप्लाई द फोर्स हियर देन इट मीन्स एफ इज इक्वल टू जीरो। इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन एम कैन नॉट बी जीरो ऑफ द बॉडी, बट डी वी अपॉन डी टी कैन बी जीरो। सो डी वी अपॉन डी टी इफ जीरो, इट मीन्स यू आर सेइंग वी इज कॉन्स्टेंट। इफ वी रिमेन कॉन्स्टेंट, इट मीन्स यू आर सेइंग दैट दिस इज द लॉ ऑफ इनर्सिया। इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इट मीन्स वॉट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो हियर
when f is equal to 0, the Newton's second law basically indicate to the first one. That is the law of inertia. And now the third law, that is known as law of action and reaction, Newton's third law. In this picture, if you see carefully, this is the number one, denoted by this boy, number two, this boat. When the boy pushes the boat, it jumps basically on the surface of the earth here. And as a result, when it pushes the boat, then boat moves in opposite direction. Right? So here, let us see it. To every action, what is the statement? The statement is that to every action, there is always equal and opposite reaction. This means if one and two bodies are interacting mutually, mutual interaction means the boy push it and boat also push it, but in moves in opposite direction. So here in a vector form, F12 is equal to minus F21, where F12 means that force on first body due to the second, is equal to minus F21 means is force on second body due to the first. So here one comes first, so we are saying that force on the first body due to second one. Here force on the second body due to the first one. See here F12 is this one, right? So F1 is this boy. So force on this boy due to the boat, right? And the second way to say the then this will be the right hand side. Ye kya hoga ki F21 force on the boat due to the boy, and that will be opposite to the first one in this direction. So now boat will move in opposite direction to the boy. But we know that F12 is rate of change of momentum of the first body. Important point is here, we are mentioning here the body. F12 force on the first body, right? And according to the Newton's second law, what is that? That rule, that law basically states rate of change of momentum of the first body. For an example, mass of the body 1 is m1, velocity of that is v1. So F is defined by this way, d upon dt m1 v1. As you know that m1 is constant, so comes out. And this is dv1 upon dt. Similarly, in this second part, you can say that F21 is equal to d upon dt, differentiation of m2 v2. m2 is constant, so cannot be differentiated, but velocity can be differentiation. And here result is m2 dv2 upon dt. Now what we are doing, we are just putting this value of F12 and F21 into the equation number 1, this one. So here m1 dv1 upon dt is equal to minus m2 dv2 upon dt. If a1 denote the mode of dv1 upon dt and a2 is the acceleration of the second body, that is the mode of dv2 upon dt, are accelerations of the body 1 and body 2. So we can write here instead of this dv1 upon dt a1 and here a2. So this m1 a1 is equal to m2 a2, right? So this force in magnitude is equal to the this one m2 a2. And on the other hand, we can write here that m2 is equal to m1 a1 upon a2. Here if we have to find out the mass of the second body, so one can find out that with the help of this formula, if we know the mass of the first body and acceleration,
and divide it by the acceleration of the second body. We will get the mass of the second body by this way. So this is the formula. So you can see here in this picture clearly, you have some sense now. So thanks for watching this video, and if you are interested to watch some physics lecture, basically you can visit here www.apnephysics.com. and if this video is helpful, then please like and subscribe. If this video is helpful to you, then please like and subscribe this channel. And share with your friends and younger brothers, with younger brothers and sisters. Thanks once again. If you have any suggestion, you just comment into the comment box. You're most welcome. Okay, have a nice day.